तो बरेली से निकलने के बाद हम आ गए हैं आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह, जहाँ पे हमको मिलेंगे देश के भावी इंजीनियर्स। तो आइए बात करते हैं उनसे, जिनको इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ आता है। Well, not LHC for sure. Maybe hostel. Hostel somewhat and the mess food. Late night in the library. Anyways, but I'll miss night. That's all. Sasta khana. I'll miss walking around at night and feeling safe actually doing that. मैं लाइब्रेरी से निकल के रैंडम फच्चो ने, मैं तुम्हारे में से कोई हो सकता हो, ने मारा था मेरे को। तो सेकंड, हम सेकंड, तब सेकंड ईयर में थे दोनों। बहुत लोग टिका गए उस रात, कुछ हिसाब नहीं था क्या कौन था कौन थी। नॉन बाइनरी पुलिस एक्चुअली पुलिस आईडी का आई कार्ड दिखा दो, कॉल कॉल्स। हाँ, कॉल कॉलिंग, कॉल कॉलिंग में तुम उनको इंट्रोड्यूस करके बोलो दैट वी आर फ्रॉम आईटीडी तो वो मान जाते हैं। तुम कुछ भी बोलो वो मान जाएंगे। बट आईटीडी का फायदा ये होता है दैट सम ऑफ माय फ्रेंड्स, एक बार दे गॉट इनटू एन इशू विद पुलिस एंड उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखा दिया, पुलिस लेट देम गो। या इवन मेरे साथ ही हुआ। सो अच्छा सर, आपका नाम? नाम वरुण है। बोले जो कोयल बागों में, याद बिया के आने लगी भीगी भीगी रातों में, ये है धोनी जी का गाना। आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी पे कौन सा गाना बना होगा? अकेला था, अकेले है, अकेले रहेंगे। हिमांशु जी, अगर आप आईआईटी नहीं करते तो क्या करते? फोटोग्राफी। तो अब्बा मान जाते आपके? अच्छा, मारवाड़ी में प्राइवेट नौकरी वालों की शादी हो जाती है? तो मारवाड़ी में कही है कि भाई पहली चोट तो भाई सरकारी वाली लागी रहे कि अगर सरकारी नौकरी है जाना तो फिर बहुत ही बढ़िया काम है, पर अगर जहाँ प्राइवेट वाली बात है तो कंपनी रहे कौन जाने लोग कि अच्छा आईआईटी हुआ है जना ठीक है कोई ढंग का ही बोलो क्यों ना क्यों तो हो ही जैसी, पर कहे भाई है कि कोई कंपनी में लाग रहे। मेकआउट प्लेसेस और वाइबी प्लेसेस। कचरा ही भरा है दीवार में। सी, मेकआउट वहां करते हैं, मेकआउट वहां करते हैं, फिर रूफ पे बेल। देवर इन द सेम हॉस्टल एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम जयपुर, ही इज हिज रूममेट, सो आई मेट हिम एंड ही इज नाउ वन ऑफ माई बेटर फ्रेंड्स देन माई फ्रेंड फ्रॉम जयपुर एंड देन दीज ऑल थ्री आर फ्रॉम द सेम हॉस्टल, सो आई मेट देम एंड ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम द सेम ब्रांच, सो वी मेट इन द क्लास रूम्स एंड During the lockdown also. इसका हॉस्टल वालों ने इनको छोड़ दिया था, हमने अडॉप्ट कर लिया। हम कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस दैट वे। फर्स्ट सेम के खत्म होने के बाद यहाँ पे हार्ड पानी खेलते हैं। डू यू नो व्हाट इज हार्ड पानी? वो खेल रहे थे, हमने बनाया नहीं, हम खेल रहे थे। देखो कुछ नहीं यार, हम फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स के बाद यहाँ पे बकचोदी कर रहे थे सीसीडी पे। हमारा सबका अलग अलग रैंडम ग्रुप था, हाँ छह लोग वाला लूडो खेल रहे थे और फिर सब बहुत सारे लोग आ गए, हाँ हेलो किया, कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग रह गए और बस फाइनली वी आर हियर, कुछ ऐड हो गए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता। द स्पेशल थिंग्स यू डू इन कॉलेज आर नॉट मेंट टू बी टोल्ड टू योर पेरेंट्स। सब कुछ भाई, सब कुछ कोई पता होता है मतलब। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे मन खुश हो जाता है, दिमाग अपनी गति से ज्यादा तेज चलने लगता है, तो वो तो खैर ऐसी चीजें हैं ही। और हाँ, पढ़ाई वो तो घर से बता सकते हैं ना, बट घर वालों को।
सही आदमी से क्वेश्चन पूछा है भाई तुमने। बिल्कुल हाँ, मतलब एक बार हुआ ऐसा, इन्हीं के शिवालिक हॉस्टल के अंदर बैठे थे हम, तो रात्रि का समय था, तकरीबन 8-9 बजे के करीब का ये बात है। तो उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो कोई भी नहीं चाहता कि अपने साथ होएगा, बट वो भी चलो एक अनूठा एक्सपीरियंस था, सीख मिलती है जीवन में। सिर्फ सुना था, उसको महसूस भी कर लिया हमने कैसा होता है। ऐसा क्या था, थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं? अगले दिन होली थी तो समझ जाओ तुम लोग फिर। यार क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज, हमेशा क्वालिटी होनी चाहिए तुम्हारे फ्रेंड्स की, रादर देन तुम कितने लोगों जानते हो। इसने खुद फॉलो नहीं किया इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। ट्रू, पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम पर्सन। कितना रैंक पाए थे जेईई में? हम एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, हमारे क्रेडल्स अगल बगल में थे, तब से हम जानते हैं एक दूसरे को। मेरे पास चांस हो गया। टूर वालों को बुलाने में तुम्हारी थी मैं। वीडियो ऑन था। यस यस।